बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। कोरोना उपचार के दौरान बिना गाइडलाइन के व्हाट्सएप और गूगल के जरिए ज्यादा स्टेरॉइड का प्रयोग। कोरोना गंभीर रोगियों को रेमडेसिविर और स्टेरॉइड के उपयोग से इम्यूनिटी कम होना, उससे अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, साथ ही कोविड मरीजों को दी जाने वाली ऑक्सीजन में लगने वाले होम्योडिफायर में पानी को कई दिनों तक नहीं बदलने से ब्लैक फंगस के रोगी बढ़ रहे हैं। सवाई मानसिंह अस्पताल के भी अगर बात की जाए तो रोजाना 15 से 20 ब्लैक फंगस के नए रोगी पहुंच रहे हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें एक भी मरीज न तो आरयूएचएस का है और न ही सवाई मानसिंह अस्पताल का। इस पर एसएमएस मेडिकल कॉलेज कंट्रोलर और प्रिंसिपल डॉक्टर सुधीर भंडारी से बात की संवाददाता सुदर्शन शेखावत ने। राजस्थान में अब कोरोना का कहर जो है वो कुछ थमने लगा है। मौतें भी हालांकि यहाँ पर कुछ कम हुई है, लेकिन मौतें अब भी चिंताजनक बनी हुई है। साथ साथ में ब्लैक फंगस का भी यहाँ पर कहर बरप रहा है। बात करने के लिए हमारे साथ हैं कंट्रोलर और प्रिंसिपल एसएमएस मेडिकल कॉलेज डॉक्टर सुधीर भंडारी। की ब्लैक फंगस की अगर हम बात करें तो अचानक से जो ब्लैक फंगस है वो एकदम से इतने केसेस कैसे बढ़े? आपका ये बहुत ही अच्छा कंसर्न और प्रश्न है। एक चीज़ मैं बताऊंगा, जैसे ही कोविड से पेशेंट रिकवर होने लगे तो इस वेव में हमें दो चीज़ों का पता लगा कि ये बहुत एग्रेसिव वेव है और इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। दूसरा, जैसे जैसे पेशेंट ठीक होने लगे तो ड्यूरिंग एंड ऑफ द कोविड और पोस्ट कोविड फेज में एक म्यूकोरमाइकोसिस ब्लैक फंगस नामक प्रॉब्लम दिखने को लगी। ये एक तरह का सुपर एडेड फंगल इन्फेक्शन है जो नाक से शुरू होकर आँख और ब्रेन तक अफेक्ट हो जाता है। ब्लैक फंगस के कारण दो तीन इम्पॉर्टेंट पाए गए हैं। एक तो ये है कि कोविड के कारण बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है। कोविड के लिए जो ड्रग्स देते हैं जैसे रेमडेसिविर स्टेरॉइड्स, उनसे इम्यूनिटी भी कम हो जाती है, लिम्फोसाइट नामक सेल्स कम हो जाती है और बॉडी की शुगर बढ़ जाती है। सो एक तरफ इम्यूनिटी कम और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ होने के कारण सुपर एडेड फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। ऐसा देखा गया है कि कोविड में जो लोग डायबिटिक नहीं भी हैं, कई लोगों में पहली बार शुगर बढ़ जाती है। सो न्यू ऑनसेट डायबिटीज़ भी देखा गया है और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसमें बॉडी में इम्यूनिटी कम होकर सुपर एडेड फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। आपने देखा होगा इस सेकेंड वेव में 60-70% लोग ऑक्सीजन डिपेंडेंट हैं और ये काफ़ी ऑक्सीजन रिक्वायरिंग वेव है, तो इसमें एक ह्यूमिडिफायर यूज़ होता है जिसमें पानी डाल के ऑक्सीजन लिया जाता है। तो अगर ह्यूमिडिफायर में पानी को नहीं बदला जाए कई दिनों तक तो भी यहाँ सेकेंडरी फंगल इन्फेक्शन ग्रो कर जाता है। सर, मीडिया रिपोर्ट्स इस तरह की भी है, जैसे फ्रिज से भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, अगर आप गंदा मास्क लगाते हैं तो उससे भी आपको फंगल का खतरा। एक चीज ये भी है कि जिंक जो है वो म्यूक्रोमाइसिस का भोजन है। ये प्रिजम्पशंस है, कोई अभी एस्टेब्लिश रिपोर्ट और मेडिकल स्टडीज नहीं आई है। फ्रिज और इन्फेक्टेड मास्क इतने अधिक सोर्स नहीं होता, ये डेफिनेटली यहाँ पे इन्फेक्शन पाया जा सकता है, बट इन्फेक्शन तभी बॉडी में एंटर करता है जब इम्यूनिटी कम हो जाती है। आप भी फ्रिज खोलते होंगे, आप भी कभी पुराना मास्क यूज़ करते होंगे, बट चूंकि आपकी इम्यूनिटी है तो ये रिस्क नहीं रहती है, अतः इम्यूनिटी लो होना इसका एक मुख्य प्री रिक्विजिट है। जिंक के लिए भी सर कहते हैं, जिंक का अभी तक कोई डॉक्यूमेंटेड स्टडी नहीं आई है, इसलिए अभी कंक्लूड करना या कंफर्म करना बहुत मुश्किल है। सर, लास्ट जो दवा है सर ब्लैक फंगस की, उसकी पूरे देश में ही कमी है, हमारे यहाँ पे भी वो कमी है, तो सर कैसे पेशेंट को मैनेज करना? नहीं, ऐसा तो नहीं, अभी आना शुरू हो गई है। ये एक अनप्रेसिडेंटेड एक्यूट इमरजेंसी है। मैं सोचता हूँ जैसे रेमडेसिविर की कमी की पूर्ति हो गई, अगले कुछ दिनों में एम्फोटेरिसिन बी भी मिलना चाहिए। तो डॉक्टर सुधीर भंडारी, प्रिंसिपल और कंट्रोलर एसएमएस मेडिकल कॉलेज, इन्होंने बताया कि जिस तरीके से कोरोना अब यहाँ पर कंट्रोल हुआ है और ओपीडी और आईपीडी में पेशेंट्स कम हुए हैं, भले ही कोरोना में जो गंभीर रोगी हैं वेंटिलेटर और आईसीयू की कमी बनी हुई है, लेकिन अब ब्लैक फंगस जो है उसमें भी दवाओं की पूर्ति अब यहाँ पर होने लगी है और अकेली दवा ही, जैसा कि इन्होंने बताया, उसका उपचार नहीं है, उसके अलावा सर्जरी और अन्य चीज़ें भी इसमें काम आती है और दवा की भी जो अभी कुछ दिनों पहले तक किल्लत थी वो अब धीरे धीरे यहाँ पर कम होने लगी है। गिरिराज खंडेलवाल के साथ सुदर्शन शेखावत, जन टीवी।